हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स। मैं हूं आपकी सीवीटी मेंटर श्रुति मैम, एंड आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले हैं। सीवीटी 2024 में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसा कि देखा गया, ये जो एग्जाम है ये अपना तीसरा एग्जाम होगा। केवल 2022 और 2023 में एग्जाम हुआ है, तीसरी बार ये एग्जाम होने वाला है, और साल दर साल कुछ चेंजेस देखे गए हैं। तो इस बार भी अभी तक की जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं, मतलब सुबोध कुमार जी, उन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं, और ये 100% है कि ये चेंजेस उनको करने ही करने हैं। तो हम देखते हैं ये कुछ चेंजेस क्या है। सुबोध कुमार जी ने बोला कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखो आज हम 10 जनवरी पर आज बैठे हुए हैं, 11 जनवरी पर, जनवरी एंड तक बिल्कुल उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी नोटिफिकेशन के साथ आपकी रिजल्ट डेट भी आ जाएगी। देखिए लिखा है, रिजल्ट डेट विल बी अनाउंस्ड विद द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। नहीं तो पिछले 2 सालों में ये लग रहा था अब पता नहीं होता, एग्जाम हो गया, एग्जाम एक एक महीने तक, डेढ़ डेढ़ महीने तक स्ट्रेच हुआ, कब रिजल्ट आएगा इसका उम्मीद ना स्टूडेंट को होती है ना पेरेंट को होती है। बट अगर नोटिफिकेशन में आ गया कि रिजल्ट इस डेट पर आएगा, एंड एनटीए जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है और जिस हिसाब से एग्जाम बढ़ता जा रहा है, पता चल जाएगा रिजल्ट इसी डेट पर, तो इसी डेट पर ही आएगा। अगर मैं दूसरा चेंज आपको बताऊं, सीवीटी यूजी विल बी ओवर इन 2 वीक्स ओनली। अगर हम पिछले बार देखें तो 1 से 1.25 महीने तक ये एग्जाम किसी किसी रीजन में एक्सटेंड होता गया, मतलब तो कुछ कुछ ग्लिचेस आए, कभी एग्जामिनेशन सेंटर्स की कमी पड़ गई। तो इस बार सुबोध कुमार जी ने बोला है कि हम 2 हफ्ते में ही ये एग्जाम खत्म करा देंगे। जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो 15 मई से लेकर 31 मई तक की हैं, तो जो कि 2 हफ्ते ही हुए। बात करूं रिडक्शन इन सब्जेक्ट टेस्ट, अभी तक ये था कि तीनों सेक्शंस मिला के, सेक्शन 1, 2 और 3 मिला के आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते थे। बट जो भी एनटीए के ऑफिशियल्स हैं, एजेंसीज हैं, उनकी बैठक हुई, उन्होंने ये कहा कि क्यों बच्चा 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे, इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों दे, 5 से 6 सब्जेक्ट्स इनफ होने चाहिए अगर हमको जो भी प्रोग्राम चूज करना है, तो उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से हम क्यों ज्यादा सब्जेक्ट चूज करें। तो ये रिडक्शन 5 से 6 सब्जेक्ट का हो सकता है, 10 से 5 से 6 का ये नंबर आ सकता है। अगर मैं बात करूं सिलेबस ऑफ डोमेन एंड लैंग्वेज, डोमेन मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के में हम पेपर्स पढ़ते हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, और लैंग्वेज सेक्शन 1 जो हमारी लैंग्वेज टेस्ट होती है, इज लाइकली टू बी बेस्ड ऑन रैशनलाइज्ड सिलेबस। रैशनलाइज्ड सिलेबस मतलब मोस्टली अब सब जगह एनसीईआरटी की बुक्स मैंडेट हो गई है, तो उस ही पैटर्न पर, जैसे जो अगर एनसीईआरटी में आता है वही आएगा आपके सीयूईटी में। अब हो सकता है ऐसा भी हो कि जो एनसीईआरटी ने चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं, हो सकता है वो अभी तक ये है कि सीयूटी में आते हैं, बट जब जैसा कि एनटीए बोल रहा है कि रैशनलाइज्ड सिलेबस होगा, तो हो सकता है वो डिलीटेड चैप्टर्स सीयूटी से भी डिलीट हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि बच्चा जो 11 12th में पढ़ रहा है वही प्रिपरेशन उसको एज इट इज सीयूटी के लिए करनी है। और ये सारी जितनी मैं चीजें बता रही हूं ना, ये सारी ऑफिशियल है, ये 100% चेंजेस होने ही होने हैं, क्योंकि ये एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने बोले हुए हैं। अगर मैं अगले चार्ट की बात करूं, मोर एग्जामिनेशन सेंटर स्पेसिफिक रीजन, पिछली बार देखा गया कुछ एरिया जैसे झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहां पर एकदम से बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम फिल कर दिया था, तो फिर एग्जाम्स डिले हुए, बच्चे दूसरे स्टेट जाने लगे एग्जाम देने, फिर एनटीए ने बोला कि नहीं हम आपके स्टेट में ही एग्जाम करा देंगे। तो इस बार ये सब चीजें नहीं हो, ये ग्लिचेस नहीं आए, तो पहले से ही एनटीए अपनी तैयारी में लगा हुआ है। उसने बोल दिया है कि हम एग्जामिनेशन स्पेसिफिक सेंटर्स को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और वैसे भी एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से एग्जाम बढ़ रहा है, 90+ यूनिवर्सिटीज थी 2022 में, जो कि बढ़ के 245+ हो गई 2023 में, 2024 में अभी तक भी जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आया है, मतलब 260+ यूनिवर्सिटीज होती चली जा रही हैं। मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है ना अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। तो यही एक मेजर चेंज और मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज विल बी इंक्रीज एंड मोर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर शोइंग द, क्योंकि सीबीटी भाई सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम हो गया इन टर्म्स ऑफ टेस्ट टेकर्स, अगर मैं लास्ट 2 साल का स्टेटिस्टिक्स देखूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बेनिफिट और एज मिल जाएगा, क्योंकि उस बड़े एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बैठेंगे। मतलब इस बार उम्मीद लगाई जाती है कि 17, 18, 20 लाख तक बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं एक मेजर यूनिवर्सिटी की बात करूं, एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसका रिसेंटली एडिशन हुआ है,
ये बहुत फेमस, इसकी दो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स अपने एमबीए कराता था, वो कैट से होते थे और वो अपना खुद का एग्जाम टेस्टनेट कराता था। उसने स्क्रैप कर दिया है ये एग्जाम, 17 नवंबर का ये नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अब वो सीयूईटी पीजी और जो उसके यूजी कोर्सेज है वो सीयूईटी यूजी से एडमिशन लेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। मतलब सीयूईटी बाय सुपर ग्रेड्स हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको सबसे पहले लाकर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपके और सवाल हो, और आपको अगर लगता है कि किसी और चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी और चीज का डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, वील रिप्लाई टू इट। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।